भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशाखा स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में एक दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए सतीशत पुण्य का अर्जन। एक दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रुपए, 11 दिवसीय 11000 रुपए, 1008 दिवसीय 111000 रुपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माँ हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु 9376571002 9376571003। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001011777, IFSC कोड PUNB002120। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। चातुर्मास 2023 के मुख्य कलश प्राप्त करता श्रीमान सुरेश जैन TMU कुलाधिपति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान, सानवी, चीना जैन, तुषार, कृष, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। एक वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहार शाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119100073378, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। ओ पूनम के चांद, मैंने भी एक चांद देखा है, तू तो आसमान में है, मैंने तो जमीन पर देखा है, मैं तो जमीन पर देखा है। क्योंकि कहा है गुरु अपने आप में कहते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है, जो संसार से मोक्ष की ओर ले जाए वो गुरु है।
जो पतन से उत्थान की ओर ले जाए वो गुरु है, जो संसार में से रहकर भव पार जाने की कला बताए वो गुरु है। क्योंकि गुरु के लिए कहा है कि खोटे गुरु पत्थर की नाव है और सच्चे गुरु लकड़ी की नाव है। सच्चे गुरु छिद्र रहित नाव है जो कि स्वयं भी पार होते हैं और लोगों को भी पार लगाते हैं। क्योंकि कहते हैं लोभी गुरु लालची ठेला होए नरक में ठेलम ठेला। हमारे गुरु वीतरागी गुरु होते हैं, विश्यासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सप्रशस्त। कहते हैं हम उन गुरु को परम गुरु को नमस्कार करते हैं जो हमारे जन्म जन्मांतर के उन मिलित नीत, यानी नींद से उठो तो स्पष्ट थोड़ा तुरंत नहीं दिखता है, दो सेकंड बाद आंखें मलते हो तब दिखता है, और नींद से कोई उठाए तो बड़े क्रोध आता है। क्योंकि रात को आप सोच कर सोते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन सुबह उठाने वाले से कहते सोने दो, थोड़ी देर सो लेने दो। तो आप भी ध्यान रखना, इसी प्रकार से संसार में विषय भोगों की नींद में जो सोए हैं उन्हें जगाओ तो बड़ा क्रोध आता है, उन्हें जगाओ तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि क्यों जगा रहे हैं। लेकिन गुरु को पता है कि शिष्य को किस तरह जगाना। हमारे आचार्यों को कहा है कि पंचाचार का पालन करते हैं, किस प्रकार से उन्हें ज्ञान में डालना, दर्शन में डालना, चारित्र में डालना, कितना तप किस गुरु को किस शिष्य से कराना, कितना तप किससे कराना। एक शिष्य को बोल देते हैं तुम उपवास कर लो, दूसरे से कहते हैं कि तुम्हें भोजन लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है किसके अंदर कितना वीर है। और आज नहीं, हमारा आगम इसका साक्षी है कि आज तक जितने संकट आए किसी पर भी, सबको गुरु का सहारा मिला तो संसार से भी पार हुआ और संसारिक बाधाओं से भी पार हुआ। सुनी साधु बचन हर सी मैना, नहीं झूठ गोए पुनि के बैना। अंजना ने भी यही कहा था गुरु को देखकर, मेरे और कर्म कितने बाकी रह गए। आप समझ गए, क्योंकि गुरु ने ही बताया था कि तुमने 22 घड़ी को प्रतिमा रखी थी। संसार का कोई व्यक्ति सुखी नहीं कर सकता है, क्यों सुखी कर सकते हैं तो गुरु कर सकते हैं। और गुरु हमें जीने की कला सिखाते हैं। कुछ लोग गुरुओं से दूर भागते हैं, बोले कि गुरु के पास जाएंगे तो छोड़ करा देंगे। हमने कि छोड़ नहीं करा देंगे, तुम्हें बीमारियों से छुड़ा देंगे, तुम्हारी तकलीफों से छुड़ा देंगे, तुम्हें भव पार लगा देंगे। क्योंकि हंसी हंसी में अपन कर्म बांध लेते हैं। अंजना का आपको पता होगा, सौत डाय से प्रतिमा छुपा दी थी 22 घड़ी के लिए। फिर आरिकाओं ने, मुनिराज ने उसे समझाया तुमने तीव्र पाप कर्म का बंध किया है। उसने प्रतिमा निकलवा दी, प्रायश्चित किया, आरिका दीक्षा ली, लेकिन फिर भी वो कर्म कहते हम तो पूरा चुकता करके जाएंगे। भूल से भी यदि देव सास गुरु की अवहेलना हुई है तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। और किस पिता के 100 भाई थे अंजना के, अकेली बेटी थी, कितने लाड़ प्यार में पली थी, कभी मायूस होना तक नहीं जाना था। और पवन जय भी एक लौते लड़के थे, कहा रावण को देना थी तो ये विचार विमर्श में नहीं थी कि रावण को देंगे तो उसके राजमहल में इतनी रानियां हैं, 100 डाय सहना पड़ेगा। उसके बेटों को इसलिए नहीं दी थी कि समान शक्ति है, कभी युद्ध हो जाएगा तो पराजित ना हो जाए। कितने लोगों को विद्युत प्रभ को इसलिए नहीं दी थी कि वो कुछ दिन बाद बैरागी हो जाएगा तो मेरी बेटी अकेली जिंदगी कैसे गुजारेगी। और पवन जय सर्व गुण संपन्न था, लेकिन कोई भी निमित्त बन सकता है। पाप कर्म आपका होना चाहिए, कोई भी निमित्त बन सकता है। और वो ही उसके साथ हुआ कि पवन जय इतना योग, इतना कुशल, इतना कहना चाहिए शक्तिशाली था और प्यार भी कम नहीं था। अंजना की रूप छटा सिर्फ एक झलक देखी थी,
और इतना दीवाना हो गया था कि आज की तरह नहीं थी कि पूरा खानदान देखा था है, फिर भी लड़की दो नंबर की निकलती। पहले सिर्फ बुजुर्ग या नाई देखा था लड़की एक नंबर की निकलती थी, आज पूरा घर देखा था है, वो कहती तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। लेकिन अंजना को देखा था और वो तो इसलिए सखियों के बीच चुप थी, वो अदब से चुप थी, गुनाहगार की तरह सखियों की जुबान चल रही थी तलवार की तरह। सखियां कह रही थी पवनजय को पाकर हमें भूल जाएगी, याद नहीं करेगी, ऐसा वैसा। एक सखी ने कह दिया कि अरे विद्युत प्रभ के आगे पवनजय कहाँ लगता है, और वो इतनी खोई थी कि उसे लग रहा था कि दो क्षण भी क्यों बर्बाद करूं इनसे बात करके, बाद में जवाब दूंगी। और पवनजय छुप कर मिलने आए थे, छुप कर देख रहे थे, और वो शब्द उनके कानों में सुनाई पड़ गए कि विद्युत प्रभ ज्यादा अच्छा है मुझसे। और उन्हें लगा, क्योंकि ध्यान रखना निमित्त तो कोई भी बन सकता है, तुम्हारा पाप कर्म का तीव्र उदय हो तो अच्छी बात भी बुरी लग जाती है। और पवनजय ने सोचा कि ये मुझे नहीं चाहती, चुप रह गई मेरी बुराई सुनकर, और तुरंत बोले अपने मित्र से मैं विवाह नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। उसने कहा क्या सोचता है तू, विवाह नहीं करेगा तू कुंवारी रह जाएगी, अरे इसको और अच्छे अच्छे वर मिल जाएंगे। तो सोचता है ठीक कहा, विवाह के बाद इसे दंड दूंगा। और विवाह के बाद आप सोच कर देखो, कल्पना करो, वर्तमान युग की कहानियों से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस विवाह में हजारों राजा आए हो, जिस महल को पवनजय का जन्म हुआ था जिस दिन से, उस दिन से महल में हजारों मजदूरों ने काम किया था, आप सोच सकते हैं कितना सुंदर महल बना होगा। और आज आप लोग वातानुकूल बनाते, वो सारा वातानुकूल ही था। उस जमाने में धूप किधर से आएगी, गर्मी में हवा का रुख किधर रहेगा, कितने बरामदे छोड़कर बनाना, कैसा शीस महल था, कैसा रंग महल था, सब कुछ बनाया गया, लेकिन बाहरी पदार्थ सुखी नहीं कर पाए अंजना को। और अंजना ही नहीं, पवनजय भी जला, क्योंकि क्रोध में कोई एक तरफा नहीं जलता है, दो तरफा ही जलते हैं। क्रोध करने वाला भी जलता और जिस पे किया जाता है वो भी जलता है। तो आप सबको पता होगा कि पवनजय भी क्रोध में चले गए, पहले दिन भी अंजना के पास आए नहीं। कैसी अफवाहें उड़ गई होगी, कैसा लगा होगा, कितने लोगों ने कितनी गलत गलत बातें कही होंगी, आप सोच सकते हो। और अंजना का दुख का कोई पारा वार रहा होगा कि सारी रात जागी उसके इंतजार में, नहीं आया, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, साल नहीं, दो साल नहीं, 22 साल तक नहीं आया। और जब कर्मों का मंद उदय हुआ तो आपको पता है, आप लोग सोचते हैं रावण विरोधी था, हनुमान जी के परिवार से बहुत अच्छे संबंध थे। जब राजा वरुण पर चढ़ाई करनी थी और एक संदेश आया कि युद्ध में सहायता हेतु जाना है, तो उनके पिता जा रहे थे, अचानक पवनजय बोलते हैं आप नहीं हम जाएंगे। वो कहते हैं वरुण बहुत महान राजा, तुम कैसे विजय प्राप्त करोगे। वो कहते हैं पिताजी बेटा तो आपका हूँ, इस उम्र में नहीं करूंगा, पुरुषार्थ तो कब करूंगा। और अंजना ने जैसे ही सुना कि रणभेरी बजने लगी, कहीं युद्ध पर जा रहे हैं पता चल गया, तो आरती का थाल लेकर गई। सोचिए जिस पति ने 22 साल से मुख नहीं देखा, और बस से बदतर कहना चाहिए, इससे बड़ा और क्या सजा होगी उसके लिए, वो पत्नी का धैर्य और प्रेम देखो। उस समय भी आरती का थाल लेकर, वरमाला का जोड़ा पहनकर, उनकी मंगल कामना के लिए द्वार पर खड़ी है, टक-टक नजरें लगाई है। और पवनजय दूर से देखकर कहते हैं कौन खड़ी है। लोगों ने कहा यही वही सुंदरी है जिसके लिए तुम दीवाने थे। और कहते हैं लात मार देते हैं, थाली गिर जाती है,
और फिर भी अंजना कहती है कोई बात नहीं, 22 वर्षों बाद आप कुछ बोले तो, 22 वर्षों बाद आपने देखा तो कम से कम मुझे पैरों का स्पर्श तो हुआ। और पवन जय फिर भी एक शब्द नहीं बोलते हैं और फूट फूट कर रोती है कि तुम महल में थे तो कम से कम तुम्हारे संदेश तो किसी दासी से मिल जाया करते थे, अब तुम जा रहे हो और मुझे अभागन को कौन संदेश देने आएगा, क्योंकि मैं परित्यक्ता हूँ, सब जानते हैं कि तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम्हारी खबर कौन लाएगा मुझ तक। और फूट फूट कर रोती है, लेकिन वो पत्थर दिल नहीं पिघलता। लेकिन राज जहां मानसरोवर पर रुकते हैं वहां किसी पक्षी की आवाज आ रही थी। प्रहस्त से पूछते हैं कि प्रहस्त किसकी आवाज है, वो कहते हैं कि चकवा और चकवी पक्षी होते हैं, इनका नियोग है, ये दिन भर साथ रहते हैं, रात को अलग हो जाते हैं और रात भर उसके कारण ये शांति से रह नहीं पाते हैं, रात भर एक दूसरे की याद में रोते हैं, यही वही आवाज है, उनकी आवाज है। और अचानक कहते हैं जरा सी घटना से कर्म का मंद उदय हो तो निमित्त कोई भी बन जाता है, साक्षात अंजना निमित्त नहीं बन पाई, लेकिन वो चकवा और चकवी कर्मों का मंद उदय हुआ तो चकवा और चकवी भी प्रेम में कारण बन गए। वो कहते हैं नहीं, मेरी अंजना का क्या होता होगा जो मैं 22 वर्ष उसके पास नहीं गया, अब अभी जाऊंगा। वो कहते कैसे जाओगी, लोग क्या कहेंगे कि तुम कायर की तरह आ गए पत्नी से मिलने के लिए, तुम्हें आज सबने विजय लक्ष्मी के वरण के लिए विदा करके भेजा गए, तुम क्यों सबके सामने आए हो। वो कहते सबके सामने आया हूँ तो सबके सामने नहीं जाऊंगा, मैं विद्याधर हूँ, विद्या के बल से चला जाऊंगा, रातों रात मिलकर सुबह वापस आ जाऊंगा।